नमस्कार दोस्तों, मैं बोकारो से नगीना शर्मा। दोस्तों, आज मैं पाम ट्री के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाह रही हूँ। पाम ट्री की बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे तरह के इसके प्लांट होते हैं। दोस्तों, ये इंडोर प्लांट है, इसलिए मैंने इसको घर में रखा है। इसे नर्सरी से मैं लेके आई थी। मेरे शहर में ये 150 में मुझे मिला था। हर एक जगह पर इसके अलग अलग दाम है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडोर प्लांट जो होते हैं उनके दाम थोड़ा अधिक होते हैं। दोस्तों, इंडोर से मतलब हमारा ये है कि ये पौधा अगर बाहर में इसको हम रखें तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ज़्यादा ठंड पसंद नहीं। दोस्तों, ये इंडोर प्लांट है और ऑक्सीजन बहुत देता है, ये ऑक्सीजन काफ़ी रिलीज करता है, तो इसलिए ये हमारे घर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। हमारे घर का ऑक्सीजन लेवल बरकरार रखे ये बहुत इस काम में आता है। देखने में तो खूबसूरत है ही, तो इसको इसमें कुछ इसके पत्ते पर ध्यान दिया जाए। इसके पत्ते इस तरह के शुरू में रहते हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, आपस में जुटे हुए रहते हैं, और धीरे धीरे करके ये पत्ते ऐसे अलग हो जाते हैं। इसकी जड़ें काफी मजबूत होती है, और जड़ से ही यहाँ पर दोस्तों इसके नन्हे नन्हे पौधे और निकलते हैं। हालांकि मेरे प्लांट में अभी तक कोई पौधे इसमें नीचे नहीं आए हैं। इसमें नीचे पौधे नहीं आए हैं तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना इसके बीज से इसका प्लांट बना के देखो, और मैंने बीज से प्लांट बनाया, तो उसी को मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। क्योंकि अगर एक पौधे के बदले ढेर सारे पौधे हो जाएं तो एक दो मैं और लगा लूँगी, और बच्चे को पड़ोस में ऊपर नीचे कहीं भी किसी को भी गिफ्ट कर सकती हूँ। दोस्तों, इसको आउटडोर रखना ठीक नहीं है, ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए, ये जो है, और यहाँ मेरे यहाँ छठ की पूजा थी, मैंने इसको बाहर में रख दिया था, जिसके कारण इसके पत्ते इस तरह के हो गए। तो इसको इंडोर रखें, ये आपको ऑक्सीजन देंगे, खूबसूरत लगेंगे, और इसको पानी की भी बहुत आवश्यकता नहीं। बस फर्टिलाइजर में एनपीके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बीच बीच में दे दिया करें, बस काफ़ी है इतना है इनके लिए। दोस्तों, ये डेट का ये है जो हम लोग सब इसको खाते हैं, ये काफ़ी फायदेमंद है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन में भी ये काफ़ी अच्छा होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है इस तरह का। ये जो आप देख रहे हैं उसके बीज हैं, मैंने पहले से बीज निकाल के रख दी है कि आपको ये बीज का पहचान इस तरह के बीज होते हैं, इस तरह के, इस तरह के ऐसे बीज होते हैं। इसी को मैंने मिट्टी में लगा दी, ये मिट्टी का पॉलिथीन का देख रहे हैं ना, चट्टी का ये थैला है, इसी में मिट्टी डाल के मैंने इसमें ढेर सारे बीज को डाल दिए। अब देखिए इसमें किस तरह से निकल रहे हैं।
ढेर सारे इसमें इस तरह से जो मैंने डाले थे वो सारे के सारे इसमें निकल गए, सारे के सारे निकल गए। धूप काफ़ी है, मुझे दिखाई ठीक से नहीं दे रही है कि कैसे दिख रहा है। एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, और अभी भी और भी निकलने वाले हैं इस तरह से, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से देख लीजिए कि कितने पौधे मैंने बना लिए। अब इसे मैं एक आध लगाऊंगी अपने बगीचे में और कुछ को पड़ोसियों को दे दूंगी। दोस्तों मुझे आपको दिखाने थे तो मैंने दो पौधे को इसमें से निकाल के रख लिया था, क्योंकि उस समय निकालने में मुझे परेशानी हो जाती, इसलिए मैंने दो पौधे को निकाल के रख लिया था। अब इसको मैं मिट्टी में लगा दूंगी, देख रहे हैं ये दो पौधे को मैंने, एक ये इसमें ये भी क्या लगा हुआ है, ये मिट्टी है, ये देखिए इसकी जड़ें कितनी अच्छी निकल गई है ये। अब इसको मैं मिट्टी में लगा दूंगी। एक नन्हा सा और इसको निकालने में एक नन्हा सा और ये था जो निकल गया, इसी में फंसा हुआ था तो ये निकल गया, ये इसी में फंसा हुआ है, इसी में फंस गया है, ये भी अंकुर दे दिया है, वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह से हम पाम ट्री को जो खाते हैं अपने घर में उसी से पौधे बना ले सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि बीज जहां हम लगाते हैं, बीज जहां हम लगाएं वो जगह काफ़ी पानी वाला हो, मतलब हमेशा इसमें पानी, मॉइस्चर हमेशा बरकरार रहे। मॉइस्चर की कमी होगी तो ये नहीं होगा। तो इसको मैंने इसमें लगा के, इस थैले में लगा के एक पानी के बर्तन में इसको डाल दिया था, जिसमें नीचे पेंदी में हमेशा पानी भरा रहता था। अब मिट्टी को जितनी पानी की आवश्यकता थी उतनी पानी वो मिट्टी उसको संग कर लेता था, जिसके कारण ये सारे के सारे देख रहे हैं आप, सारे के सारे बीज पनप गए, सारे के सारे। दोस्तों मैंने पहले भी आपसे एक बार बताई थी ये बात कि मैं जितनी भी डाल लगा देती हूँ या जो भी बीज लगा देती हूँ सारे के सारे हो जाते हैं। तो कभी कभी मैं परेशानी हो जाती है, कभी कोई मुफ्त में भी गिफ्ट करना चाहूँ किसी को तो वो भी आदमी नहीं दिखाई देता किसको गिफ्ट करूँ, क्योंकि हर कोई को तो अभी तक उतना पौधे से लगाव नहीं है। इसमें तो बहुत हॉबी की बात होती है, अपने पसंद की बात होती है। तो इसलिए दोस्तों मैं अपना यहीं पर अपना ये वीडियो शेयर कर रही थी, उसको समाप्त करती हूँ। समाप्त करने से पहले मैं आपको एक गुलाब का पौधा जो मैंने लगा के रखा है उसको दिखा देती हूँ। ये एक कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में, और ये खिल रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में मैंने इसे लगा रखे हैं और ये अभी खिला है। तो मुझे बहुत खुशी हुई इसको देखकर, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।